गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम एंड सेफ। ओके, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 3, एडिशंस ऑफ नंबर्स, पार्ट 1। ओके, सो इन क्लास सेकंड वी हैव लर्नड द एडिशन ऑफ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर विद एंड विदाउट कैरी, लेटर डिवाइडेड थ्रू सम एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 46 एंड 98। इसका सोल्यूशन फोर्थ मेथड से, अगर हम मेथड दे रखे हैं उसमें फर्स्ट मेथड दिया हुआ है टेंस और वंस की प्लेस पे 46 और 98। तो 4 टेंस प्लस 6 वंस, यानी 46 को हम 4 टेंस प्लस 6 वंस के जैसे लिख सकते हो, 98 9 टेंस प्लस 98। अगर आप 8 इसको प्लेस प्लस करते हैं तो 6 और 8 क्या आता है, 14। तो 14 वंस हो जाएगा, और 4 और 9 टेंस को प्लस करेंगे तो ये 13 टेंस हो जाता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे 13 टेंस प्लस 14 वंस इक्वल टू 13 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 4 वंस, ठीक है, इक्वल टू 13 टेंस प्लस 1 टेंस प्लस 4 वंस इक्वल टू 14 टेंस प्लस 4 वंस ऐसे, और फिर इक्वल टू करेंगे तो 140 प्लस 4, यानी 140 प्लस 4 इक्वल टू 144। अगर हमको इस तरीके से काउंट करते हैं तो भी ये आएगा 6 प्लस 8 करेंगे तो ये होगा 14 का 1 कैरी चला जाएगा हमारा, ठीक है। 9 और 4 कितना होता है, 10 11 12 13। 13 में 1 प्लस करेंगे तो ये 14 आया, ठीक है। नाउ सेकेंड मैथड, एडिशन ऑफ 1 डिजिट, ठीक है। तो 6 प्लस 8 इक्वल टू 14, ठीक है। कैरी 1 ओवर टू द 10 प्लेस, यानी टेंस की जो प्लेस है उसके ऊपर हम कैरी लगाते हैं, 4 को हम नीचे लिखेंगे और कैरी ऊपर आएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ 10th डिजिट, यानी 4 प्लस 9 प्लस 1 कैरीड ओवर इक्वल टू 14, यानी 4 और 9 करते हैं तो हम आता है 13। 13 में अगर हम कैरी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 14। द सम इज 144, ठीक है। इसी तरीके से हम 3 डिजिट के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ है फाइंड द सम ऑफ 489 एंड 765, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 टेंस और 1s की प्लेस, ठीक है। तो 1s की प्लेस पे 9, 10th की प्लेस पे 8 और 100 की प्लेस पे 4। इसी तरीके से 5 जो है वो 1s की प्लेस पे, 6 जो है 10th की प्लेस पे, और 7 जो है 100 की प्लेस पे। एडिशन ऑफ 1s डिजिट, यानी 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। राइट 4 इन 1 प्लेस एंड कैरी 1 ओवर टू 10 प्लेस, यानी 14 का 4 जो है हम 1s की प्लेस पे लिखेंगे और 10s की प्लेस पे 1 कैरी ओवर देंगे। एडिशन ऑफ 10th डिजिट, 8 प्लस 6 प्लस 1 कैरीड ओवर इक्वल टू 15। तो 5 तो है वो हम 10s की प्लेस पे लिखेंगे और 1 कैरी ओवर कहाँ जाएगा, 100 की प्लेस पे। एडिशन ऑफ द 100th डिजिट, 4 प्लस 7 प्लस 1 कैरीड ओवर 12। राइट 2 इन 100 प्लेस, ठीक है, लिखेंगे और 1 भी जो है वो 1000 की प्लेस पे आ जाएगा। तो राइट इन 2 in 100 प्लेस एंड 1 in 1000 प्लेस। नाउ स्टूडेंट आवर एक्सरसाइज 1, ओके। एक्सरसाइज 1, फाइंड द 3.1, फाइंड द सम। तो फर्स्ट सम है हमारा 48 प्लस 99, ओके। तो 8 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 17, 17 का 7 और कैरी 1, ओके। नाउ 4 एंड 9 हो गया हमारा 13, 13 में 1 प्लस करेंगे तो आता है ये 147। नाउ थर्ड सम ऑफ योर बुक, 456 प्लस 846। तो 6 और 6 को प्लस करेंगे तो आता है 12, 12 का 1 कैरी जाएगा हमारा ये ऊपर, ठीक है। अब 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारा 1302 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से 4 सम नंबर 8, 346
895 एंड 468 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा आएगा 6 प्लस 5 11, 11 और 8 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, अब 9 एंड 4 कितने होते हैं 13, 13 एंड 1 14, 14 एंड 6 20, 20 का 0 कैरी 2। ठीक है, अब हम ये करेंगे 3 और 8 हो गया हमारा 11, 11 एंड 4 12, 13, 14, 15, 15, 15 एंड 2, 15 एंड 2 हो जाएगा 16, 17। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1709। ठीक है, अब नाइन्थ हम ये 11, 12th सम देखेंगे इसका 881, 729 प्लस 99, तो 9 प्लस 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 9 19 का 9 कैरी 1, 8 एंड 2 10, 10 एंड 9 19, 19 एंड 1 20 का 0 कैरी 2। ठीक है, 8 और 7, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में हम 2 प्लस करेंगे तो 16 एंड 17। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आया हमारा 1709। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐड 446 एंड 978, यानी 446 एंड 978 को हमको प्लस करना है। ठीक है, तो 6 और 8 को हम प्लस करेंगे तो आता है 14, 14 का 1 4 और कैरी जाएगा 1। ठीक है, 4 एंड 7, 4 एंड 7 कितना होता है 8, 9, 10, 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1। 4 एंड 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 एंड 1 14, तो ये आया हमारा 14 चॉइस, यानी 1424 इसका आंसर। नाउ सम नंबर फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन सेकंड, 45, 946 एंड 243 को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो 5 एंड 6 11, 11 एंड 3 14 का 4 कैरी 1, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 1 3, 3 का 1 3 और 1 कैरी, 9 एंड 2 10, 11, 11 एंड 1 12। ओके, तो इसका आंसर क्या आया 1234। सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू रिमेनिंग क्वेश्चन इन द होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस।